और अब बात करेंगे एयरफोर्स डे की। एयरफोर्स डे पर आज गाजियाबाद के हिंडन बेस पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। मिराज सुखोई से लेकर तेजस की उड़ान ने दुश्मन खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन आज का मुख्य आकर्षण कोई था तो वो था राफेल। राफेल की गर्जना सुनकर चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी कांप उठा होगा। एयरफोर्स डे पर वायुसेना के शौर्य से जुड़ी देखिए ये खास रिपोर्ट। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। Mi-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स एक जगह ये तस्वीरें तस्दीक है भारत के सुपर पावर बनने की ओर बढ़ते कदम की। तस्दीक है कि भारत का आसमान न केवल सुरक्षित है बल्कि उसकी ओर टेढ़ी नजर डालने वालों की तबाही भी पक्की है। ये दुश्मन के होश उड़ाने वाली तस्वीरें हैं। आसमान में हिंदुस्तान के बाहुबली की हुंकार सुनकर चीन को यह डर सता रहा होगा कि उसने एलएसी पर कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा। ये तस्वीरें हैं आसमान के शहंशाह राफेल की। पहली बार वायुसेना दिवस पर शामिल हुए राफेल की दहाड़ चीन और पाकिस्तान को कपाने के लिए काफी है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने इस खास मौके पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। द इंडियन एयरफोर्स इज ग्रेटफुल फॉर द नेशन्स ट्रस्ट कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एयर वॉरियर्स आई वुड लाइक टू अश्योर द नेशन that the Indian Air Force will evolve and be ever ready to safeguard our nation's sovereignty and interests in all circumstances. Jai Hind. 88वें Air Force की झांकी में जब तेजस ने उड़ान भरी तो उसकी गूंज से दुश्मन देश थर्रा उठे। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला तेजस दुश्मन की छोटी सी हिमाकत पर उसका भूगोल बदलने की ताकत रखता है। वायुसेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के युवा वीरों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट के साथ एयरफोर्स से जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया। पीएम ने लिखा, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। वायुसेना के शौर्य और साहस को दुश्मनों ने कई बार झेला है। वायुसेना दिवस पर चीन और पाकिस्तान की नजरें लगी थी। आसमान में बहादुर फॉर्मेशन में MiG-29 और Sukhoi-30 के जौहर देखकर दुश्मन की रूह कांप गई होगी। और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जी हिंदुस्तान का ऐप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सहयोगी से जानिए। घर में हो या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।